ये है अपना एक्चुअल प्रोडक्ट जो अपना कुकिंग होता है ना, जो हॉट टब रहता है और कुक टब रहता है, जो भी रहता है जो कस्टमर के पास होता है उसमें बेसिकली जो भी कुकिंग होता है ना, ये एक्ट्रेस उतना खींच नहीं सकता। एक गुड फैसिलिटी है जिसमें बोलता है मोशन सेंसर इसके अंदर दिया हुआ है, जो अपना ऐसा करोगे ना तो मशीन ऑन हो जाएगा। सही है ये फीचर। Subscribe to my channel, My Time, My Review for free and hit the bell icon to get the latest update. अबे अनबॉक्सिंग चालू हो गया हमारा। इसमें आपको मिलेगा स्टेनलेस ऑयल कैप, जो टोटल स्टेनलेस स्टील है। ओके सर, कैप है क्या ये? हाँ, ये ऑयल कैप है। ऑटो क्लीन के टाइम ना जो ऑटो क्लीन होता है, ऑटो क्लीन के बाद मोटर बेस के अंदर जो ऑयल जमता है ना, वो ऑयल इसके अंदर आके जमा होगा। ओके, इसके लिए ये कंपनी वाला दिया है। पहले फाइबर का था, अभी कंपनी उसको मॉडिफाइड करके टोटल स्टेनलेस स्टील वाला है। कभी ये पिघलेगा भी नहीं और कुछ होगा भी नहीं। और इसका लुक भी अच्छा दिख रहा है। हाँ, इसका लुक भी अच्छा बना है। और एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी दिया है जिसमें जो ऑयल जमा हुआ है ना उसके ऊपर नजर भी आएगा इसके थ्रू से। ओके, समझा। ओके सर, देखिए ये जो है ना, इसमें जैसे ऑयल आएगा आपको नजर आएगा, तो वो आप इसको निकाल के वो चीज में आपको बाद में बताता हूँ सर। ओके, एक नंबर। दूसरा, ये अपना टोटल फिटिंग्स है, ठीक है। इसमें हैंगिंग क्लेड है, स्क्रू है, और जो भी सामान है इसके अंदर दिया है। इसमें वारंटी कार्ड भी सबमिट है। ओके ओके सर, ये है अपना एक्चुअल प्रोडक्ट। ये है अपना एग्जॉस्ट पाइप है, ठीक है। ये हर कंपनी में सेम पाइप रहता है, तो अपना हिंगर भी सेम पाइप दिया है। इसका जो बेसिकली होता है ना, इसका रेडिएशन जो होता है 153 होता है एमएम का होता है, और एक बाईपास का जो ऑफ साइड में होता है ना 150 का होता है सर एमएम, ठीक है सर। 150 mm। और ये क्या था ऊपर? और ये अपना आएगा 153 mm का है। इसका जो सर्कुलरिंग है ना, सर्कुलरिंग ऊपर का हिसाब से होता है, इसी को एडजस्ट निकालेगा। ये 90 mm का हिनवेयर का चिमनी है। 90 mm का है हिनवेयर का चिमनी है। इसमें ऑटो क्लीन है। वाओ, दिखने के लिए तो एकदम मस्त है। कलर भी एकदम सही है इसका। ओ वाओ, जो सर चिमनी है ये टोटली ऊपर का जो बेस है एक ग्लास बेस बना हुआ है, ठीक है। ऊपर का जो ग्लास है, टच प्लेट भी टोटल ग्लास में है। और ऊपर का जो बॉडी है स्टेनलेस स्टील है, ठीक है। ये जो पदरा है टोटल स्टेनलेस स्टील है। और यहाँ पे ये अपना एग्जॉस्ट का मेन हुड है सर, ठीक है। और ये पीसीबी हो गया, और ये अपना दिया है मेन पावर प्लग। और पावर प्लग भी जो है ना वो अटैचमेंट पावर प्लग है। ओके, अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका जो मेन फिल्टर होता है वो बैफल फिल्टर है, वो भी स्टेनलेस स्टील है। कैसा है आपको मैं छोटा दिखाता हूँ। और सबसे दूसरी और एक बात है, इसमें खासियत है, इसमें दो LED लाइट लगा हुआ है। ओके, जो भी बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छा दिखने में लगता है। ये जो दोनों है, ये दोनों LED लाइट है, ठीक है, कुकिंग के टाइम हम लोगों को जरूरत पड़ता है। और दूसरी बात है, ये फिल्टर है, ये फिल्टर अपना लॉक सिस्टम इतना इजीली दिया है कस्टमर के लिए। ओके, ये पैच सिस्टम बना है कि जिसमें हाथ से कोई भी कस्टमर आसानी से खोल सकता है। ये निकल गया है, ये अपना टोटली फिल्टर हो गया है, ठीक है। ये स्टेनलेस स्टील है। ओके, और ये बोथ साइड सेम है, कभी भी आप इसको क्लीन करके कोई भी तरफ डाल सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि ये उल्टा है ये सीधा, ऐसा नहीं। ओके ओके, दोनों साइड सेम है, आप कभी भी डाल सकते हो। ये फिल्टर है क्या इसका? तो इसका आप इसका कुछ फिल्टर चेंज होता है? नहीं, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। ये एक्चुअली स्टील का स्टील है। ये आपका लाइफ टाइम के लिए रहता है, ठीक है। ओके, इसमें कोई बदल नहीं होता है। आपको और भी मैं बताता हूँ, मैं जब इसको फिटिंग करने जाऊंगा। ओके, फिर आपको मैं इसका प्रोसेसिंग बताता हूं। ये अपना मोटर बेस हो गया है, ये ऑयल कैप का जो मेन ऑयल जाएगा मोटर से उसका पाइप हो गया है। ये टोटल मोटर बेस है,
ये ऑयल हीटिंग एलिमेंट का मेन पावर बूस्ट है, ठीक है। और इधर अपना दिया हुआ है मेन ब्लोअरिंग, इसके अंदर रखा हुआ है। और ये जो बॉडी है टोटल स्टेनलेस स्टील है, इसमें पेपर लगा हुआ है इसके लिए कि जिसमें इसमें कोई भी क्रैश वगैरह नहीं लगे इसके लिए। अभी हम लोग स्टार्ट करता हूँ इसको इंस्टॉलेशन प्रोसेसिंग। ठीक है ठीक है, मेजरमेंट प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो कुकटॉप होता है ना, ये आपके पास कुकटॉप है, हाँ। इधर से हम लोग स्टार्ट करता हूँ 32 इंच में लेता हूँ इसका, 32 इंच, हाँ 32 से 31 इंच में लेता हूँ टॉप पोजीशन तक। ओके, मतलब इसका मेन टॉप रहेगा इस हाइट पे, ठीक है। इधर से मेरे को लेने का है 10.5 से 12 इंच तक मेरे को लेने का है। मेरे को मेजरमेंट पे इस पोजीशन पे अपना चिमनी का हैंगिंग प्लेट आएगा। ओके ओके, ये कितना 32 इंच बोले ना, हाँ ऊपर मींस जो शेगड़ी रहेगा कुकिंग ये रहेगा उसके 32, हाँ 32 इंच में अपना टॉप रहेगा, हाँ। उसके बाद अपना जो हैंगिंग प्लेट आएगा, हाँ। वो 11.5 इंच में रहेगा, क्योंकि इसका जो बैक है 11.5 इंच में इसका बैक होता है। गैस को कवर कर रहे हैं हम, मिट्टी नहीं जाएगी, ठीक है। प्लास्टिक जिसमें अपना थ्रेड स्क्रू का थ्रेड रहेगा, ओके okay. कंपनी से दिया हुआ है, हैंगिंग प्लेट का, चिमनी का जो हैंगिंग प्लेट है वो टोटली वो भी स्टेनलेस स्टील है ना, ये मैं इसको बढ़िया से टाइट प्लेट आ गया है, हाँ। अभी इस चिमनी को मैं वॉल पे माउंटिंग करने वाला हूँ, माउंटिंग कर देता हूँ। ये एक डिफिकल्ट टास्क रहेगा ना, उठाने का अभी अपना चिमनी ऊपर लिप प्लेस में बैठ गया है। अभी कंपनी से जो पाइप दिया हुआ है वो पाइप को मैं एग्जॉस्ट का थ्रू से ये जो होल बना हुआ है सर का, ये होल से बाहर डाल देता हूँ। दो mm का है, एक 150 mm का है, हाँ। और एक रहता है 153 का है, हाँ। ऊपर में जो मोटर बेस का जो गैपिंग है ना, हाँ। वो जितना mm का रहेगा उसी में डालने का, तब क्या होगा बराबर फीडिंग में बैठेगा, क्योंकि 153 में इसमें होल रहेगा तो 150 में डालने का, 150 नहीं डालूंगा क्योंकि वो डालूंगा तो फिर ढीला हो जाएगा और बाहर से पास होगा, तो मेरे को देखने का होगा एक कितना mm का है। ओके, तो वो यहाँ पे नीचे 150 कितना नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 153 आएगा, 153 आएगा नीचे, यस, क्योंकि इसको मैं इस हिसाब से 153 हिसाब से मैं इसको बढ़िया से टाइट करके बिठाता हूँ। इतना बैठ गया है ऊपर, अभी इसको
हिसाब से ये पाइप फ्लेक्सिबल है, तो जितना जरूरत होगा उस हिसाब से मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। अभी मेरे को थोड़ा सा जरूरत है, सर का जिस प्लेस हिसाब से इसको है उस हिसाब से काम कर रहे हैं। अभी मैं बैफल फिल्टर को, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा फिल्टर, इसको बोलता है बैफल फिल्टर, बैफल, हाँ ये बैफल फिल्टर है। ये बैफल फिल्टर को मैं अपना लगा देता हूँ। एकदम इजी मेथड है, अरे दो स्क्रू निकाल के इसको निकालना पड़ता है और कुछ नहीं। ओके, अभी मेरे को इसको चालू करने का है, चालू करके हमें दोनों। सबसे पहले जो इसका सिस्टम है, हाँ। ये जो वायर है अपना, इधर से आप ऑन ऑफ का स्विच आपका बोर्ड में रहे, हाँ। तो फर्स्ट ऑन करने का बोर्ड का स्विच, बाद में ऊपर हम बनाने वाले हैं यहाँ, हाँ, पे तो आप सर का जो मेन प्रॉब्लम है उधर सर का वायर छूटा हुआ है, हाँ। उधर से सर आउटसाइड में एक छोटा सा बोर्ड बना लेगा, हाँ। उसके बाद अपना जो चिमनी का वायर है, हाँ। वो वायर सर उधर डाल लेगा और सर का बोर्ड रहेगा, हाँ। स्विच रहेगा इधर, तो सर जब यूज करने वाला है इधर से ऑन करने के बाद ऑटोमेटिकली ऐसा है स्टार्टिंग पॉइंट में आपका ऑन जो स्विच है ये अपना ऑन का स्विच हो गया। ये जो रेड वाला जो स्विच है ये ऑन का है, आपके पास ये मशीन अपना फंक्शन मोड में आ गया, मतलब चालू हो गया है। ओके, अभी इसमें तीन स्पीड है, तीन स्पीड का जो बटन है ना टोटली टच बटन है, नंबर वन एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन, ये अपना स्टार्ट कर रहा हूँ फास्ट। जब वन स्पीड में डाला तो इसमें आपको टोटली वन दिखाई देगा। अभी जो ये वन स्पीड होता है ना, ये नॉर्मल कुकिंग के लिए अक्सर हम लोग यूज होता है। नॉर्मल कुकिंग ऐसा जैसे चाय बनाना है, दूध उबालना होगा, कोई भी मतलब हल्का कुकिंग जैसे स्मेल कम वगैरह होगा, ठीक है, उसके लिए वन। Okay. उससे भी ज्यादा कुकिंग जैसा चावल पकाना है, चपाती पकाना होगा, तो उसके लिए हम लोग दो यूज करता है। ओके, ठीक है, क्योंकि दो जब यूज करना उसका सेक्शन मोड बाहर जाता है, ठीक है, तो उस टाइम उसका जो स्मेल होता है ना वो टोटल खींच के बाहर फेंक देता है अपने एग्जॉस्ट के थ्रू में। उसके बाद नेक्स्ट जो स्विच होता है वो तीन का है, मतलब थ्री स्पीड, जिसमें आपको मछली फ्राई, चिकन फ्राई, जो भी कर लेगा नॉन वेज के लिए आप तीन यूज कर सकते हो। ओके, अभी जैसे आपको तीन यूज करने का, तीन से आपको वापस एक में आने का, तो आप एक दबा और वापस एक में आ जाएगा, फिर आपको दो पे जाने का दो जा सकते हो। अभी जो नेक्स्ट है आपको बंद करने का, वही स्विच बंद कर दो, टोटल मशीन का बंद हो जाएगा। कौन सा ऑफ बटन है, ऑफ बटन देखिए सर, आपको जैसे आपको तीन यूज करना होगा, तो तीन यूज का काम हो गया है, मछली फ्राई, चिकन फ्राई, जो भी कुछ होने का है वो हो गया, आपको बंद करने का होगा, वही ओके समझा, दबा देने का, टच करने का, तो तुरंत अपना मोटर का जो सर्कुलरिंग होता है वो बंद हो जाएगा। ओके, ठीक है। सबसे इसमें और एक अच्छी खासियत है, जैसे आपको पूरा टोटल मशीन बंद करने का ना, तो आप इसको दबा के बंद कर सकते हो। ओके, और एक गुड फैसिलिटी है जिसमें बोलता है मोशन सेंसर, मोशन सेंसर इसके अंदर दिया हुआ है, जो अपना ऐसा करोगे ना तो मशीन ऑन हो जाएगा बिना टच में। सही है ये फीचर, ठीक है। अभी बिना टच में मैं चालू कर रहा मशीन, क्योंकि मेरा हैंड जो थैंक होता है ना तो उसके थ्रू से, जैसा अभी मेरे को तीन में है, तो अभी इसको जाऊंगा तो नहीं होगा, अभी बंद करने का तो ऐसा करूंगा तो मशीन बंद हो जाएगा। ओके, अभी नॉर्मली ऑन करने का होगा ना तो मेरा हैंड इधर जाएगा, ये हो गया ऑन, अभी बंद करने का ये हो जाएगा बंद, करेक्ट। ओके, ये हो गया मौसम सेंसर का फैसिलिटी है। आप मौसम सेंसर नहीं यूज नहीं होगा, आप डायरेक्ट टच में यूज कर सकते हो। दूसरा फैसिलिटी इसमें लाइट, इसमें दो एलईडी लाइट दिया हुआ है, अच्छा खासा, हाँ इधर एक एलईडी है जिसमें अच्छा खासा पावर और लाइट भी है, इसमें भी है व्हाइट कलर का, जिसमें कुकिंग करने टाइम कोई भी कुकिंग का जो स्टीम के वजह से नजर नहीं आता है, तो इसके लिए हम लोगों का कंपनी से दिया हुआ है दो एलईडी लाइट, अभी एलईडी लाइट है। तीसरा नंबर, लाइट को बंद कर सकते हो, आप यूज नहीं करोगे तो इसी स्विच को दबा दो बंद हो जाएगा, करेक्ट। चौथा फैसिलिटीज में है जो ऑटो क्लीन सिस्टम दिया हुआ अपना कंपनी, हिंदवेयर कंपनी, हिंदवेयर का जो ऑटो क्लीन सिस्टम है, ये ऑटो क्लीन का बटन है, इसको समटाइम
थोड़ा टाइम के लिए पेस्ट करके रखने का है। ओके उसके बाद ऑटोमेटिकली सर टाइम आ जाएगा। इधर देखिए सर आपको आ जाएगा 9 टाइम, मतलब 9 से लेकर 0 तक आपको वेट करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली मोटर पे इसके अंदर जो भी ऑयल रहेगा वो क्लीन करके इस ऑटो कैप में ट्रांसफर कर देगा ऑयल। ओके ये ऑटो कैप कहाँ लगता है? ये ऑटो कैप लगेगा अपना जो वैक्यूम फिल्टर है उसका पीछे तरफ एकदम एंड पोजिशन पे। उसको लगाने का जो प्रोसेसिंग है, इधर एक स्लाइडिंग सिस्टम बना हुआ है, इधर भी एक स्लाइडिंग सिस्टम बना हुआ है। इस स्लाइडिंग में इसको इस तरफ का पकड़ना गया और इजीली मेथड में डाल देने का है। बस ये हो गया अपना ऑयल कैप लगाने का प्रोसेसिंग। फिर से एक बार लगाओ, एक बार निकाल के फिर मैं एक बार रिवर्स कर रहा हूँ इसको। ये ऑयल कैप का बैक पोजिशन है, ये बैक पोजिशन है, ये जो बैग है ना इधर देखिए दो क्लैम लगा हुआ है, यू शेप एल शेप का क्लैम लगा हुआ है, इधर भी एल शेप का एक क्लैम है। ये एल शेप में हैंड को ऐसा रखने का है, उसके बाद इस टाइप पकड़ने का है, फिर ऐसा डालने का है। एकदम इजी, और इजी बोले तो बहुत ही इजी मेथड है, कोई भी यूज करते हो। अभी मैं ऑटो क्लीन पे डाला था, फर्स्ट टाइम 9 दिखाई देता, अभी 8 दिखाई दे रहा है। अभी इसमें 7 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 0 उसके बाद फिर मोटर ऑटोमेटिकली सर्कुलेटिंग होगा, फिर बंद हो जाएगा। ओके नेक्स्ट पॉइंट जो है सर, एप्रोसली आपका ऑटो क्लीन में डाला हुआ है, कोई भी मेहमान आ गया है तो फिर आपको चिमनी को चालू करने का, तो उस टाइम आपको क्या करने का, चिमनी को नॉर्मल अवस्था ही बंद कर देने का। फिर आप ऑन करके आपका मेहमान आए तो कुकिंग जो भी बनना है फिर आप यूज करो। अपना चिमनी अपना पोजिशन पे आ गया है। ओके आपको बंद करना होगा तो आप टच करके बंद कर दीजिए, फिर आपको इधर से बंद, अभी टोटल मशीन बंद हो गया। ओके उसके बाद आपको मेन बोर्ड से भी आप बंद कर सकते हो, और नहीं बिगड़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसका एडवांटेज कुछ बता सकते हैं इसका? इसमें सर एडवांटेज देखिए, मींस किसको किसको लगाना चाहिए ये एग्जॉस्ट के बजाय? हां ये जो एग्जॉस्ट है ना सर, ये जो है ना ये बेसिकली क्या होता है, ये जो अपना कुकिंग होता है ना, जो हॉट टब रहता है और कुक टब रहता है, जो भी रहता है जो कस्टमर के पास होता है उसमें बेसिकली जो भी कुकिंग होता है ना ये एक्टिव उतना खींच नहीं सकते, क्योंकि ये एक्टिव लगा रहता है बहुत लंबा बहुत दूर, क्योंकि जो अपना चिमनी होता है ना वो अप्रोच में लगा रहता है चूल्हा के नजदीक, मतलब चूल्हा के ऊपर जो भी हॉब रहेगा कुकटॉप रहेगा उसके ऊपर रहता है। तो क्या होता है उसमें जो स्मेल होता है, जो कुकिंग का जो स्टीम होता है ना, वो अपना टोटल चिमनी एडजस्ट कर लेता है, वही एडजस्ट करने के बाद उसको बाहर फेंकता है। दूसरा नंबर पॉइंट, जो भी ऑयली होता है ना घर पे इधर उधर, जैसा टाइल्स हो गया है, मॉड्यूलर किचन रहता है तो इधर उधर जो जाता है ना वो नहीं जाता है, बहुत कम 70% चिमनी एडजस्ट कर लेता है। ओके 20% इधर उधर थोड़ा बहुत जाता है जो ऑयल यहाँ पे वहाँ पे, हाँ इधर उधर जो जाता है, मतलब अपना और टाइल्स हो गया है, मॉड्यूलर किचन हो गया है, ग्लास हो गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा में वो चीज नहीं होता है। किसी बात क्या होता है जो एडजस्ट कम करता है ना, ये सिर्फ ओनली स्मेल को हल्का फुल्का खींचता है, चिमनी 70% इसको स्मेल को टेकअप कर लेता है। ए, इसका खासियत है। दूसरा बात, इसमें जो क्लीन का प्रोसेसिंग है, इसको क्लीन करने के लिए आपको उतरना पड़ेगा, फिर इसको क्लीन करना पड़ता है, बस इसको उतरना नहीं पड़ेगा। इसमें बेसिकली ऑटो क्लीन दिया हुआ है वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा, और आपको लाएगा तो साल में एक बार कंपनी का टेक्नीशियन में टोल फ्री नंबर पे फोन करके आप बुला के टेक्नीशियन से क्लीन करा सकते हो, उसमें उसका नेक्स्ट प्रोसेसिंग चालू रहेगा। इससे कुछ एडवांस ये रहता है क्या चिमनी, इससे कुछ एडवांस और नया कुछ ज्यादा फीचर? ज्यादा फीचर है, बट इसमें भी जो फीचर दिया हुआ है ये फीचर बहुत ही अच्छा है बजट हिसाब से अपना हिंदुअर का, और हिंदुअर में सबसे और भी एक अच्छा चीज है, अपना जो भी मटेरियल डाला हुआ है बहुत ही टोटल इंडियन मैन्युफैक्चर है। ओके और पार्ट्स भी अपने सर्विस सेंटर में अपना कंपनी में अवेलेबल है। तीसरा पोजिशन इसमें है, आप 24 आवर्स में आपको कॉल रजिस्ट्रेशन करोगे तो टोल फ्री नंबर पे कोई भी वारंटी पीरियड में सर्विस सेंटर से आपको टेक्नीशियन आएगा, जैसा मैं भी एक टेक्नीशियन हूँ स्काई एंटरप्राइज का हूँ, मेरा नाम है साहिल, ठीक है, तो मैं आया हूँ सर का घर पे, इसमें मैं टोटल इंस्टॉल किया हूँ, ये इंस्टॉलेशन का जो फैसिलिटी है मैं सर का टोटल बताया। तीसरी बात जो है इसमें और बहुत ही अच्छा है, स्टेनलेस बॉडी डाला हुआ है, फिनिशिंग बहुत ही लुक वाइज बहुत ही अच्छा है, टोटल ग्लास फिनिशिंग है, मोटर जो बेस है वो भी बहुत ही अच्छा है, मोटर जो बेस का जो ब्लोअर फैन है वो प्लास्टिक का नहीं है, वो स्टील का है, ठीक है, तो उसमें भी और एक फैसिलिटी है, वो कभी स्मेल नहीं होगा, कभी जलेगा नहीं, ऐसा है मोटर जलेगा तो आपको 5 ईयर तक वारंटी रहता है, जो भी वारंटी देता है कंपनी वाला उस वारंटी में आपको बिल सबमिट करोगे परचेसिंग बिल तो आपको कंपनी से दे देगा। ओके ये अभी जो हमारा है वो 90 mm है, हाँ
तो 60 mm कितना छोटा रहेगा फिर? 60 mm जो सर देखिए ए 90 mm है, 90 mm के लिए होता है क्या है, जो भी कुकटॉप होता है ना वो 70 का किसी का रहता है, किसी का 60 रहता है, तो वो अपने कस्टमर का चॉइस के ऊपर रहता है। 60 cm रहेगा तो इसमें और थोड़ा सा छोटा होगा, बट लुक वाइज सेम रहता है, खाली ऊपर का जो ग्लास होता है ना हेड ग्लास, वो हेड ग्लास थोड़ा छोटा होता है, अदर्स कुछ नहीं है, सेम क्वालिटी रहेगा, सेम चीज रहेगा, फैसिलिटी भी ऐसा ही रहेगा सर, सेम रहेगा ना। अभी कस्टमर का चॉइस इसलिए होता है कि उसका चूल्हा बड़ा है तो चिमनी छोटा रहेगा तो सोचता है कि गैस मेरा इधर उधर भगेगा, तो इसके लिए कोई 90 चूज करता है, कोई 60 चूज करता है सर, वो कस्टमर चॉइस है सर। तो बेसिकली उसने सामने वाले को जो भी कस्टमर है उसको साइज, किचन का साइज देख के। हाँ बराबर राइट। और एक बहुत ही अच्छा सर क्वेश्चन किया कि चिमनी कैसे हिसाब से लेने का होगा, जैसा फर्स्ट टाइम कस्टमर को अपना जो कस्टमर रहेगा हिंदुआर का जो कस्टमर रहेगा जो सोचेगा कि मेरे को हिंदुआर का चिमनी लेने का है, उसके लिए एक गुड फैसिलिटी बताता हूँ, जैसा फ्लिपकार्ट हो, कोई भी शॉप हो, कोई भी डीलर हो, जो भी हम लोग जो सीनियर है उससे कॉन्टैक्ट रहेगा तो उससे एक बार पूछ ले कैसा होगा, किस हिसाब से कितना जाएगा, छोड़ने का है क्या है। हम लोग हमेशा तैयार रहता हूँ टेक्नीशियन कि हर कस्टमर को सजेस्ट करने का है किस हिसाब से चिमनी लगेगा, कितना मेजरमेंट होगा, कितना जाएगा छोड़ने का है, तो फिर बेटर रहेगा। और नहीं तो कस्टमर को सोचना चाहिए कि मेरे को 60 cm लेगा तो 60 cm थोड़ा थोड़ा बढ़ा के छोड़ना पड़ेगा, 64 छोड़ेगा तो बेटर रहेगा, और उसको हाइट का जो है ना वो कम से कम 54 नीचे से, मतलब अपना प्लेटफॉर्म जो होता है ना इस प्लेटफॉर्म से लेके 54-55 तक छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बेटर इंसुलेशन होता है, क्योंकि पाइप भी जाता है, ए हुड है, टोटली जो मेजरमेंट रहता है एकदम परफेक्ट रहता है। ठीक है, अभी नहीं रहेगा तो फिर वो डिस्कस कर ले फास्ट टेक्नीशियन से, नहीं तो ऑथोराइज सर्विस सेंटर से, टोल फ्री नंबर से, कैसा भी करके फिर चिमनी परचेस करेगा तो बेटर रहेगा। Subscribe to my channel, My Time, My Review for free and hit the bell icon to get the latest update. तो आप देख सकते हैं मैंने ये हिंदवेयर नियो प्लस 90 mm का मैंने चिमनी ऑर्डर किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया है 17 अक्टूबर को, ये डिलीवर हुआ है विद इन 2 days 19 अक्टूबर, और थर्ड डे को ही इंस्टॉलेशन हुआ है, तो 20 अक्टूबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका कॉस्ट मुझे बिग बिलियन डे पे इसका मिला है 9,539 रुपीज़ प्लस 200 कॉइन्स था अवेलेबल मेरे इस पे, तो वो डिडक्ट हुए है, और इसका इंस्टॉलेशन चार्जेस अलग से आपको पे करना पड़ेगा, जब टेक्नीशियन आपके घर पे आएगा उसका कुछ कॉस्टिंग है 700 रुपीज़। तो आपको फटाफट इसका फीचर्स बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आप ऊपर जाएंगे तो इसका रेटिंग आप देख सकते हैं, 4.3 का रेटिंग है, बहुत अच्छा रेटिंग है इस पर। कॉस्ट फिलहाल का कॉस्ट आप देख सकते हैं 11,499 कॉस्ट है, आपको मिलता है मोशन सेंसर टेक्नोलॉजी मिलता है, पावरफुल सक्शन मिलता है आपको, थर्मल ऑटो क्लीन मिलता है, टच कंट्रोल मिलता है, स्टेनलेस स्टील बैफल फिल्टर मिलता है, एनर्जी इफिशियंट एलईडी लैंप्स मिलते हैं आपको, मेटेलिक ऑयल का कलेक्टर ट्रे मिलता है। स्पेसिफिकेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चिमनी, मॉडल नंबर कर्व ग्लास, वॉल माउंटेड 100 CMH एयर सक्शन कैपेसिटी, आपको लाइटिंग फीचर 2 LED मिलता है। डायमेंशन आप देख सकते हैं हाइट और विथ 45 cm 90 cm, वारंटी आपको मिलता है, 1 साल की वारंटी मिलता है, और मोटर को आपको 5 years वारंटी मिलता है। आप आगे यही प्रोडक्ट आप अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं, इसका कॉस्ट फिलहाल कॉस्ट कुछ 12,000 है, अमेजोन पे भी इसका रेटिंग 4 रेटिंग है, तो ये आप देख सकते हैं दोनों जगह पे फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे ये उसका रेटिंग बहुत अच्छा है। आपके लिए मैं इसको लिंक में इसका ये इसका प्रोडक्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ। लुक वाइज भी बहुत अच्छा है, आप चाहिए तो ये प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। Thank you.